औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँच सकें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की पालक और दाल की रेसिपी। पालक और दाल बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरह। तो बहुत ही मज़े की दाल पालक बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने एक गट्ठी पालक ली है, उसको बारीक काट लिया है। दाल को मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ था और अब मैंने इसमें पानी ऐड किया हुआ है। अब हम इसको बॉयल कर लेंगे और 4 से 5 अदद मैंने मिर्चें ली हैं हरी और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें 2 टेबल स्पून चाहिए और 1 अदद हमें दरमियाने साइज़ का प्याज चाहिए, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद हमें टमाटर चाहिए, उनको भी मैंने बारीक काट लिया है। मसालों में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ वो मैं बाद में शामिल करूँगी। तो पहले सबसे दाल को हम बॉईल कर लेंगे। तो दाल को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक हांडी चढ़ा ली है, उसमें पानी ऐड कर लेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। दो से तीन गिलास इसमें पानी ऐड कर लिया है, अब हम दाल इसमें ऐड कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दूंगी। तो यहाँ मैंने इसमें दाल ऐड कर ली है, अब हम इसको ऊपर से कवर कर लेंगे। और जी तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें अब मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया है। चॉप प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जी तो प्याज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें अब मैं लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट लिया था वो ऐड कर दूंगी, इसको हल्का सा हिला लेंगे इस तरह से। जी तो कुछ सेकेंड्स हिलाने के बाद इसमें अब मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। इसी के साथ इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी जो मैंने बारीक बिल्कुल चॉप की हुई हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैं इधर हल्दी पाउडर ऐड कर लूँगी और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है, अब मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले में। तो दाल मैंने चेक कर ली है, बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है, अब हम इसको छान लेंगे, पानी सेपरेट कर लेंगे। पालक हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, अब हमने जो दाल छानी है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको हिला लेंगे अच्छे तरीके से। दाल को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करूंगी।
अब मैं 5 मिनट इसको ऊपर से कवर करके अच्छे से पका लूंगी। 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला ऐड कर लूंगी। दाल पालक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारी दाल और पालक की फाइनल लुक है। इसको गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें लंबे साइज में काट के ये इसके ऊपर ऐड की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजे की बनती है। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने ट्राई की तो आपको कैसी लगी। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ज़ायनस किचन को दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।